चलो अच्छा लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबको जानते हैं क्या? प्रतुष, राजश्री, उत्सव, ओके, आदित्य, ओके, ठीक। चलो तो बात क्या है, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया गया था? जा थोड़ा बताओगे कहाँ तक पढ़े थे? सर सर डिस्टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के चैप्टर्स किए डिस्प्लेसमेंट थे उसमें लास्ट। सर आज न्यू चैप्टर करने वाले थे। न्यू चैप्टर कहाँ होगा, मोशन ही खत्म नहीं हुआ। न्यू चैप्टर थोड़ी होगा, न्यू टॉपिक होगा। सर हो गया था सर, स्पीड और सर न्यू वेलोसिटी। हाँ सर स्पीड और वेलोसिटी ये होगा ना, ये स्टार्ट करेंगे बोले थे ना। हाँ सर ये स्टार्ट करेंगे। तो रामलाल ये न्यू चैप्टर नहीं है, ये न्यू टॉपिक है बच्चा। ठीक, हम लोगों का चैप्टर अभी भी वही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करें स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके ना बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा कौन सा क्लास ज्यादा अच्छा लगता है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? आओ चलो, कौन सा क्लास ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन सर। चलो तो लॉकडाउन हो गया तो क्या और कर सकते हैं ना रे। चलो ठीक ही है, ओके। तो हेडिंग डालो स्पीड, हेडिंग डालो स्पीड। क्या हेडिंग डालना चाह, स्पीड। समझना बच्चा क्या बोल रहे हैं, ठीक है समझना। स्पीड पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखो क्या लिख रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये जो लैंग्वेज है ना बच्चा, ये बहुत बार हमारे सिलेबस पे आने वाला है, इट्स कॉल्ड स्पीड। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत, कैन यू प्लीज रिपीट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू, ये मतलब है विद रेस्पेक्ट टू बच्चा, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। लिख लो पहले इसको, उसके बाद हम बात करते हैं। लिख लिया ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके यस सर। अब समझते हैं इस लैंग्वेज को, ठीक है। ये काफी बार हमारे सिलेबस पे आने वाला है, काफी बार आप देखोगे, तो इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा द रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे बच्चा, डिस्टेंस का। किसके रेस्पेक्ट में बच्चा, टाइम के रेस्पेक्ट में। और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। समझना क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, डिस्टेंस का निकालना है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उसको किसका निकालना है बच्चा, डिस्टेंस का ना। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिस्टेंस का ना, बोलो रे। तो जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर पे रहेगा, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो डिनोमिनेटर पे रहेगा। जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर पे रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है इट विल बी इन द डिनोमिनेटर। तो बोलो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा जाए, आप ही लोग बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा जाए, बोलो। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा बोलो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है अच्छा, स्केलर वेक्टर? स्केलर 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 क्वांटिटी ना। तो स्पीड कौन से क्वांटिटी होगा, स्केलर की वेक्टर?
स्केलर स्केलर कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी देखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी सर इट इज अ स्केलर सब लोग लिखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी अच्छा एक चीज मुझे और बता दो बच्चा क्या बताना है कि डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव हो सकते हैं डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव हो सकते हैं पॉजिटिव और जीरो वेरी गुड छोटी तो डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड क्या नेगेटिव होना पॉसिबल है नहीं सर डायरेक्शन ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है क्या 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 कौन बोला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या बोले सर हम बोले कि जब डायरेक्शन ही नहीं है जब स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन नहीं है तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कहां से होगी सर जी स्केलर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन नहीं होता ऐसा नहीं है ठीक है ना इतना ध्यान रखना ठीक ना स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है एग्जाम्पल करेंट है अच्छा ठीक है लेकिन ऑल द स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है सिंपल तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा स्पीड में नोट बोल करके पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो स्पीड है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी जीरो इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी जीरो क्या लिखना बच्चा स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो मेरी बात समझ में आई ना कोई दिक्कत तो नहीं है सर कैन यू प्लीज रिपीट हाँ क्यों नहीं लिखो हम लिख देते हैं आप लोगों के साथ चलो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पहला नोट में क्या लिखना है पहला पॉइंट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो ये जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है मेरी बात समझ में आए ना कोई दिक्कत किसी को बोलो ओके ठीक है ना अच्छा भैया और छोटे छोटे चीजों को जान लेते हैं और छोटे छोटे चीजों को जान और क्या हम लोग जाने अच्छा हाँ और एक चीज जाने ना कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड क्या अच्छा स्पीड जो है ये कौन सी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है ठीक और एक चीज जानना है यूनिट स्पीड का यूनिट के बारे में जानना है तो स्पीड का अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो इसका दो यूनिट आता है एक को बोलते हैं SI और एक को क्या बोलते हैं CGS बोलते हैं अच्छा अगर आप लोग देखोगे फॉर्मूले को रुको एक मिनट यूनिट मत लिखो एक चीज बोलना भूल गए अच्छा तो यहाँ पे मेरा स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है मेरा स्पीड का जो फॉर्मूला है ये क्या आता है स्पीड इज इक्वल टू बोलो क्या आया था बच्चा डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग ना स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी से किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी से स्पीड इज रिप्रेजेंट बाय स्पीड जो है इट रिप्रेजेंट बाय वी वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा स्पीड को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया वी इज इक्वल टू एस बाई टी आया नहीं आया वी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा लो एस बाई टी होगा नहीं होगा बोलो वी इज इक्वल टू एस बाई टी होगा ना यस सर यहाँ पे V का मतलब क्या है बच्चा टाइम का मतलब सॉरी स्पीड स्पीड S का मतलब क्या है डिस्टेंस और T का मतलब क्या है टाइम तो आप लोग ना इस नोटेशन को याद रखिएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
यहां से हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये आपको याद रखना है, एस इज इक्वल टू वी टी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना? ओके ओके सर. ओके चलो नेक्स्ट. अब आते हैं यूनिट्स पे. क्या? नो 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 सर, श्रेयोशी कौन है? अच्छा नया स्टूडेंट है क्या सर? ही सर नहीं सर, नॉट टू, नॉट टू रिमूव सर. अच्छा श्रेयोशी सर, वो श्रेयस सर, नॉट श्रेयसी सर, श्रेयस. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है. बोलो सर, मेरा जेंडर ही चेंज कर दे रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? सही ना रे? चलो ओके. तो बात क्या हुआ भैया, बात क्या हुआ, बात क्या हुआ कि हमको फॉर्मूला याद क्या रखना है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूले को याद रखना है. ओके चलो अब आते हैं यूनिट्स पे. अब बात करते हैं यूनिट्स की, अब बात करते हैं यूनिट्स, अब बात करते हैं यूनिट्स. तो आप लोग जानते हो जैसे कि एसआई यूनिट की बात करते हैं और सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, एसआई की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं? सीजीएस की. तो देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एफपीएस का क्या है सर? हाँ एफपीएस का क्या है सर? एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, बचा इसका कोई यूज नहीं है. अगर आप सर एफपीएस का क्या है सर? क्या एफपीएस ही बोल रहे हो बचा? फुट पाउंड सेकंड. ओके सर, फुट पाउंड सेकंड एफपीएस बोलते हैं उसको, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं. तो बेसिकली ना हम लोग जितने भी इंडियन ऑथर की बुक पढ़ते हैं वहां पे एफपीएस सिस्टम नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे एफपीएस सिस्टम मिलता है. तो हमारे इंडिया पे ज्यादा करके यूज नहीं होता है, इसलिए बुक में भी नहीं. एसआई यूनिट सीजीएस होता है सर? सर इंडिया में सीजीएस यूनिट ही यूज होता है सर? एसआई और सीजीएस यूनिट ही यूज करते हैं, एफपीएस बहुत कम यूज होता है, होता ही नहीं है. ठीक है, लेकिन जितने भी फॉरेन ऑथर के बुक है ना आपको एफपीएस ही मिलता है. ठीक ना? चलो ओके सर. एफ इक्वल्स टू फूट एफ डब्ल्यू टी और एफ डब्ल्यू डी? फूट, फूट बोलते ना, 5 feet बोलते ना, 5 feet 6 feet हाइट बोलते ना, फीट नहीं बोलते हैं सर? बोलते हैं. आपका हाइट कितना बोलते हैं? बोलते ना 5 feet 6 inch नहीं बोलते हैं? यस सर. वो फीट 5 feet 3. अच्छा आपका 5 feet 3 मतलब 3 inch है? यस सर. नहीं हम आर्बिटर ही बोले थे कि 5 feet 6 inch आपका हाइट है. तो ठीक है, आपका हाइट अगर 5 feet 3 inch है तो वहां पे जो फिट यूज हो रहा है ना वही है फुट पाउंड सेकंड. ठीक है, मतलब फीट की बात कर रहे हैं. ओके चलो. अच्छा ये सब मेरे साथ थोड़ा सा कम करिए, थैंक यू एक आंसर बोल रहे सर, थैंक यू सर, तो ये सब मत करना, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं. अच्छा मेरा जिम्मेदारी है कि आपका सारा डाउट क्लियर करने का, तो हर बात पे थैंक यू कितना बार बोलोगे, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस सीखो मुस्कुराओ और घर जाओ. ठीक ना? ओके चलो आगे चलते हैं. अच्छा मुझे बताओ अगर हम एसआई यूनिट लिखने की कोशिश करें, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? बोलो जल्दी बताओ. मीटर. मीटर सर, मीटर. और टाइम का? सेकेंड. तो वेल स्पीड का एसआई यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड. ना सेकेंड इसको ना देखो 1/सेकंड को ना सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है. 1/सेकंड को क्या लिखा जाता है? सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है. तो आप मीटर पर सेकंड को मीटर इनटू सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो. मीटर इनटू क्या बोल सकते हो? अच्छा सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो. मेरी बात समझ में आया ना? यस सर. ये इनवर्स आपको पता है?
बोलो नहीं पता सर नहीं पता तो बता देते हैं कि 1/2 को आप सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 1/2 m के साथ देखो, m के साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ही जाकर के हम उसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड ना। तो ये 1/2 को आप चाहो, ये 1/2 को आप चाहो तो मीटर सेकंड इनवर्स बोल सकते हो, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हो, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हो। तो इसलिए हमने क्या लिखा, मीटर इनटू सेकंड इनवर्स या फिर मीटर पर सेकंड। अच्छा जल्दी से बता दो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा ना, हाँ कि ना? यस सर, यस सर, यस सर। और या फिर ये हो सकता है, ठीक ना? चलो ओके लिख लो जल्दी जल्दी, आगे चलते हैं। सर आपने क्या लिखा सीजीएस का नीचे में मीटर पर सेकेंड, क्या छोड़ो सर उसका आगे में, सर क्या? उसका आगे में ग्रेटर सर, वो जो सीजीएस का नीचे में वो जब आगे में जब एम के आगे में क्या लिखा सर, सी सी सेंटीमीटर पर सेकेंड, अरे ये सी है। ओके सर। अच्छा दादा तुम मुझे एक चीज बताओ, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस अगर मीटर है तो सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर ना होगा, अच्छा तो सेंटीमीटर पर सेकंड ना होगा आंसर, यस और नो? बोलो, बस वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। यस सर। ओके चलो सर, किलोमीटर पर आवर कुछ नहीं है सर, हम सीखो समझा था कि डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर जो होता है वो अगर एक्सक्यूज मी क्या बताइए, हाँ हाँ बोलो। अरे सर, कौन क्या बोल, नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, योर वॉइस वाज क्रैक। अरे ठीक है, वॉइस वाज क्रैकिंग, मेरा वॉइस क्रैक हो जा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अरे ठीक है, तो इतना समझ में अभी नहीं आया, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। बोलो। Yes, सर किलोमीटर पर आवर कुछ नहीं है, किलोमीटर पर आवर को बोलते हैं अदर्स यूनिट बच्चा, अगर आप स्पीड के अदर्स यूनिट को लिखोगे, अगर आप स्पीड के अदर्स यूनिट को लिखोगे तो आप लिख सकते हो, बहुत सारे अदर्स यूनिट होते हैं लाइक किलोमीटर पर आवर होते हैं, मीटर पर आवर होते हैं, किलोमीटर पर मिनट होते हैं, कितना चाहिए आपको, ये सारा जो है ना ये अदर्स यूनिट होते हैं, ये यूनिट भी वैलिड है, ये यूनिट भी चलता है, ये यूनिट में भी काम होता है, लेकिन आपसे एग्जाम पे ऐसा यूनिट के बारे में पूछ सकता है, सीजीएस यूनिट के बारे में पूछ सकता है, अदर्स यूनिट के बारे में पूछ सकता है, ये सारे को सीजीएस और एसआई छोड़ करके बाकी सारे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अदर्स यूनिट बोलते हैं, ठीक ना बच्चा, समझ में आया ना? यस ओके okay. आप सोए सोए क्यों हो, जाग जाओ। चलो ठीक, हाँ तो स्पीड में हम लोग काफी कुछ चीजों के बारे में जाने, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अच्छा स्पीड जो है वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। ओके okay. अब आते हैं स्पीड जो होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं, मेरा जो स्पीड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, अच्छा लिखो स्पीड जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, स्पीड जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, और एक को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक को बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक को बताते हैं, बताते बताते, अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड का
मतलब अगर आप देखोगे मतलब यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड अगर होगा ना, कांस्टेंट स्पीड अगर होगा तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट। थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वेरिएबल हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म। अब बच्चा क्या है ना, इसका डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है, लेकिन समझते हुए लिखेंगे। अच्छा, समझते हुए लिखेंगे बच्चा लोग, कोई रटने की बात नहीं है। जैसे बोलना है बच्चा, जब वेट करना होगा तो बोलना है, नहीं बोलो ये सब सही है। तो यूनिफॉर्म में तो कोई चलता ही नहीं होगा। हाँ हाँ यूनिफॉर्म पे तो यूनिफॉर्म में कौन चलता है, सबको तो नॉन यूनिफॉर्म पे कौन चलता है, ठीक है, आपसे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म पे कौन चलता है, ठीक है, वेट। अच्छा समझो, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझो, अगर मान लो आपको ना ए से बी जाना है, आपको कहां से कहां चलना है, ए से बी, और यहाँ पे हम लोग किस स्पीड से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। किस स्पीड से जा रहे हो अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट, यस और नो बोलो, कॉन्स्टेंट स्पीड। तो अगर हम मान लें कांस्टेंट, तो हम अगर मान ले मेरा स्पीड जो है ना ये 20 किलोमीटर पर आवर है, कितना अच्छा है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, एक आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अच्छा एक आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये चेंज होने वाला नहीं है। अब अगर हम कुछ सेगमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि 1 आवर है, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस कितना है 1 आवर, यहाँ पे भी क्या है अच्छा 1 आवर, यहाँ पे भी कितना है 1 आवर, और यहाँ पे भी ले रहे हैं 1 आवर। बोलो फर्स्ट 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा अच्छा, सर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। सेकेंड 1 आवर पे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसके बाद वाले 1 आवर पे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसके बाद वाले आवर पे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो देखो अगर कांस्टेंट स्पीड हो गया बच्चा, अगर मेरा स्पीड जो है ये अगर कांस्टेंट हो गया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी 20, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम कवर कर रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं, देखो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या हम बोल सकते हैं बोलो, क्या हम बोल सकते हैं बच्चा, सर रिपीट करेंगे, हम बोले क्या यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये बोल सकते हैं, देखो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, यहाँ पे भी 20 किलोमीटर, यहाँ पे भी 20 किलोमीटर, यहाँ पे आवर 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, तो क्या हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हाँ कि ना, यस सर। तो यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, आप लोग खुद बताओ क्या लिखना चाहिए, इफ अ बॉडी कवर्स, If a body covers, बोलो if a body covers equal distances in equal time. Then the bodies, equal distances in equal time अगर का
कवर करेगा देन द बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड. लिखो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम. ठीक है जैसा पापा क्या बोल रहे हैं. ऑफ योर माइक्रोफोन. इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in equal time, then the body is said to be uniform speed. समझ में आया नहीं आया बोलो. आया सर. पक्का? अरे yes, बोलो sir. बोलो yes, ना चुपचाप क्यों yes, बोलो. लेकिन ये डेफिनेशन आपका मतलब क्या है ना, अच्छे से एक्सप्लेन करता है यूनिफॉर्म स्पीड को कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम हुआ तो ही वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड कहलाएगा. ठीक है? ठीक ना? यस सर. ओके ओके ओके. लिख लिया ना बच्चा लोग? बोलो लिख लिया ना? यस सर. ओके यस सर. अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे. अच्छा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड की कांस्टेंट स्पीड? सर वेरिएबल. वेरिएबल इसका मतलब अब अगर मुझे ए से बी जाना है, तो कुछ पार्ट हमने चला 20 किलोमीटर पर आवर से, कुछ पार्ट हमने चला 30 किलोमीटर पर आवर से और कुछ पार्ट हमने चला 40 किलोमीटर पर आवर से. अच्छा बोलो स्पीड इज वेरिएबल की कांस्टेंट? स्पीड इज वेरिएबल की कांस्टेंट? वेरिएबल. अच्छा अगर हम 1 आवर के टाइम इंटरवल ले तो यहाँ से यहाँ तक 1 आवर इंटरवल लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर के इंटरवल लिए और यहाँ से यहाँ तक 1 आवर के इंटरवल लिए. बोलो ये पहला 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? उसका पहला 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा जल्दी बताओ. 20 किलोमीटर. नेक्स्ट 1 आवर पे 30 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर पे छोटी 40 किलोमीटर. तो देखो बच्चों यहाँ पे अन इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? अन इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे. अन इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया तो क्या होगा, अन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम कवर होगा और उस स्पीड को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ साथ, लिखो इफ द बॉडी कवर्स, if the body covers unequal distances in equal time interval unequal distances in equal time interval, then the body is said to be in non-uniform speed. ठीक है? उसके नीचे ये वाला स्लाइड भी लिख लेना, पीछे वाला स्लाइड हम एक बार रिपीट करवा दें. पीछे वाला स्लाइड भी एक बार लिख लेना. इसको नीचे लिंक करके रखना बच्चा, तो आपको जब टॉपिक खोलोगे तो समझ में आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अल्टीमेटली है क्या. ठीक है? अगर हो जाए तो बताना. सर हो गया. सर हो गया? नहीं सर मेरा नहीं हुआ. हाँ हाँ वेट करते हैं, आप लोग लिखिए.
फिजिक्स बहुत बोरिंग है ना, क्या चलो फिजिक्स बहुत बोरिंग है ना हाँ, लेकिन तुम लोगों का ना ये मरा हुआ एटीट्यूड, मरा हुआ एनर्जी देख करके लगता है कि फिजिक्स तो बहुत बोरिंग है। चलो ठीक ही है, एनर्जी में रहना अच्छा, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ दिखता है इसलिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को हम बताएंगे धीरे धीरे अच्छा अच्छा चीज इन फिजिक्स, लेकिन थोड़ा बेस पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। हो गया छोटी? हाँ सर। ओके, अब समझो स्पीड ना फिर से दो टाइप के होते हैं। मेरा स्पीड जो है ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक चला गया, और एक चीज होता है यहाँ पे, और एक चीज होता है, अरे और एक चीज होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो स्पीड जो होता है ना ये अगेन दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है एवरेज स्पीड और एक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि एवरेज स्पीड क्यों आया, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, लिख लो बच्चा, ये जो बोल रहे हो ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला तो आसान है, लेकिन क्या बता सकते हो एवरेज क्यों आया, व्हाई एवरेज? एवरेज इसलिए क्योंकि एवरेज स्पीड हम लोग को ओवरऑल आइडिया देता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में ओवरऑल स्पीड कितनी थी। हम नहीं बोल सकते हैं कि जैसे अगर एक घंटा का टाइम इंटरवल है ए से बी तक जाने में, तो 20 मिनट बाद उसकी स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होगी। हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल उसका स्पीड कितना रहा टोटल जर्नी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा आपका नाम क्या है? सौद सर। अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अच्छा ये एनालिसिस आपका खुद का था कि किसी से सुने थे? सर टोटल का था। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले लिख लो उसके बाद समझाते हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है द डिस्टेंस इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ वेरी स्मॉल, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ वेरी स्मॉल, in a very small interval of time, very small interval of time. whole divided by time interval. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? कुछ देर के लिए बोर्ड में पूरा फोकस करना, ठीक? हम क्या बोल रहे हैं? कुछ देर के लिए बोर्ड में पूरा फोकस करना, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको दोनों चीज फील करवाएंगे, एवरेज स्पीड भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी। आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बने रहना। जैसे कि अगर मान लो हमको चलना है ए से बी, कहां से कहां चलना है बच्चा? ए से बी चलना है। इसे मान लो ए से बी मुझे चलना है, ठीक? अब हमने क्या किया, कुछ पार्ट हमने 20 किलोमीटर पर आवर से चला, कुछ पार्ट हमने 30 किलोमीटर पर आवर से चला, और कुछ पार्ट हमने 10 किलोमीटर पर आवर से चला, और कुछ पार्ट हमने 10 किलोमीटर पर आवर से चला। अगर हम 1 आवर का टाइम इंटरवल ले ले, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर पे और ये 10 किलोमीटर पे, अगर हम 1 आवर
आवर का टाइम इंटरवल ले ले, यहाँ पे अगर 1 आवर ले, यहाँ पे बच्चा अगर 1 आवर ले और यहाँ पे भी 1 आवर ले, तो बोलो 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ऐसा पहले 1 आवर पे, पहला 1 आवर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर पे ऐसा 30 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर पे 10 किलोमीटर. अच्छा स्पीड इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. आपसे पूछा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका ना ओवरऑल जर्नी मतलब ए से बी आपने जो ट्रेवल किया, से ए मान लो आगरा है, बी मान लो दिल्ली है, तो ए से बी आगरा टू दिल्ली आपका स्पीड कितना था? अगर आपसे किसी ने पूछा ए टू बी जाने के समय पे आपका स्पीड कितना था, अगर आप बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर, क्या आप सही बोल रहे हो? ए टू बी टोटल जर्नी? वो तो कुछ पार्ट में था ना सर, वो तो कुछ पार्ट में था सर. एवरेज स्पीड तो 20 किलोमीटर सर, एवरेज स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर ही होगा. एवरेज स्पीड में जाना ही नहीं है आपसे, हम पूछा. अच्छा एवरेज भी 20 ही आ जाएगा ना, रुको एक मिनट, नहीं तो फिर दिक्कत. यस सर. वेट, अगर एवरेज भी 20 आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रुको एक मिनट, इसको चेंज कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं. अच्छा इसको ना 40 कर देते हैं, ठीक है ओके. अब यहाँ पे अगर 1 आवर लेते हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 किलोमीटर. अगेन 1 आवर पे 30 किलोमीटर. अगेन 1 आवर पे 40 किलोमीटर. अगर 1 आवर पे 40 किलोमीटर. हाँ तो हम क्या बोल रहे थे अच्छा, अगर आपसे ने किसी ने पूछा कि ए से बी जाने के समय पे, ए से बी जाने पूरे जर्नी पे आपका स्पीड कितना रहा, अगर आप बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आप सही बोल रहे हो? नो सर. नो सर. नो ना. अगर आपसे पूछा ए से बी पूरे जर्नी पे आपका स्पीड कितना रहा, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर बोलोगे तो आप सही नहीं बोल रहे हो. अगर आप बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर तो क्या सही बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं. अगर आप बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर तो क्या आप सही बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं. इसका मतलब क्या है उसका? तो फिर मेरा स्पीड कितना था कैसे बोले? उतार चढ़ाव तो है तो हम कैसे बोले? जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल समझोगे, अगर क्लास में ना कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे को एक चॉकलेट मिला, सेकंड बच्चे को 2 चॉकलेट मिला, तीसरे बच्चे को 3 चॉकलेट मिला, तो एवरेज करते हो ना कि एक एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला, तो आप लोग क्या करते हो? एवरेज करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो. एवरेज करते हो कि नहीं करते हो? एवरेज करते हो. तो चॉकलेट के मामले पे अगर आप एवरेज करोगे तो हर एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिला ये कैसे पता करोगे? टोटल चॉकलेट अपॉन टोटल टाइम, हाँ कि ना? टोटल चॉकलेट अपॉन टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, सॉरी टोटल चॉकलेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, यस ना? तो यहाँ पे भी आपको एक एवरेज निकालना पड़ेगा स्पीड का. तो एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है. वेट, अब सही है क्या बच्चा? मेरा वॉइस ठीक है? हेलो. यस सर. कट करके आ रहा है क्या मेरा वॉइस? हाँ हाँ, मेरा वॉइस कट करके आ रहा है क्या? यस सर. बहुत बहुत कट रहा है क्या? बहुत कट रहा है तो बीच बीच में बहुत, वरना तो फिर ऐसे ठीक है.
Wait. क्या सही है मेरा वॉइस? यस और चलो अभी वॉइस ठीक है? यस सर। ओके, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या समझे छोटी? कि पूरे जर्नी पे आपका स्पीड कितना रहा, दैट इज द एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगा, हाँ टोटल डिस्टेंस कितना? 20 + 30 + 40 दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर बाय कितना बचा? 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर, कितना हुआ? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर भी गड़बड़ है, जो भी है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब पूरे जर्नी पे आपका स्पीड एक एवरेज पे रहा और उसको हम कितना बोल रहे हैं? 30 किलोमीटर पर आवर। उसको हम क्या बोल रहे हो सर? 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब पूरे जर्नी पे आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रहा। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, हाँ छोटू सर एक चीज पूछना था जो अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, ये थोड़ा आगे है। जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसमें जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी दे देता है। सर यहाँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा वो स्पीड के बराबर होगा, तो सिर्फ देख के हम नहीं कह सकते कि 30 किलोमीटर पर आवर ही एवरेज स्पीड होगा। आपका बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ना थोड़ा सा गड़बड़ किया है। आप देख के नहीं बता सकते क्यों? एक्सीलरेशन पे क्या होता है ना, एक्सीलरेशन पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। एक्सीलरेशन पे क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ, तो वहां पे वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है सर। वेलोसिटी और स्पीड में गड़बड़ी नहीं करना है। स्पीड जो होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में काफी अंतर है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि आप ड्रॉ किए हैं ए टू बी स्ट्रेट लाइन पाथ। ए टू बी जो है जो रास्ता से जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में। सर तो यहाँ मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी तो स्पीड के बराबर हो जाएगा। होगा तो हम मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को कंसिडरेशन में लेके क्यों नहीं कर सकते? हम डायरेक्शन को नहीं देखते? नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो और वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो आपका फंडा काम नहीं आएगा। अच्छा समझे? हाँ सर। चल तो देखो सर। हाँ बोलो सर। ऐसे जो डिवीजन अपने डिस्टेंस का किया है वैसे फ्रंट में अगर 40 बीच में 30 और लास्ट में भी 40 है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड होगा? बताते हैं क्या है, बताते हैं, कंफ्यूज नहीं करना ठीक है। एक बार हम और बताते हैं। सुनो यहाँ पे ना इस चीज को हम हटाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इस चीज को हम हटाते हैं, तुमको थोड़ा और समझाते हैं। सुनो क्या है, जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है वो लोग सुने। की कोशिश रे मार कभी ना दौड़ बैठ ना कंधे पर ना बहुत दिन जा रही पापा के बोल दो हम बोल क्या देखो। अच्छा हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे
एवरेज मेरा स्पीड कितना आया, यहाँ पे मेरा एवरेज स्पीड कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, हमने ए से लेकर के बी तक जो जर्नी ट्रेवल किया वो एक एवरेज लेकर के हम कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड कितना, तो आपका आंसर क्या होगा, इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड कितना है तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ। 20 किलोमीटर। अगर इस इंस्टेंट पे पूछा तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप बोल रहे हो कि मेरा स्पीड इतना है, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आप पूरे जर्नी को देखोगे तो वहां पे जो स्पीड आ रहा है दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। मेरी बात समझ में आई ना, क्या बोले, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख रहे हो वहां पे जो स्पीड हो रहा है दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरे जर्नी को आप जितने स्पीड से कवर कर रहे हो उस स्पीड को बोला जाएगा एवरेज स्पीड। एम आई क्लियर? थोड़ा सा माइक्रोफोन ना ऑफ रखिएगा क्योंकि आपका घर का जितने सारे बातें हो रही है हम सुन सकते हैं। सॉरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो क्या डाउट है। सर समझ तो गए बट एक चीज पूछना था। बोलो बोलो क्या। सर हम लोग लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। सर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस शॉर्ट टाइम इंटरवल का ही ये एवरेज स्पीड हो गया जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहे हैं। शॉर्ट टाइम पे एवरेज नहीं, शॉर्ट टाइम पे यूनिफॉर्म हो जाता है। शॉर्ट टाइम पे एवरेज नहीं बचा, शॉर्ट टाइम पे यूनिफॉर्म बताना, ठीक है। शॉर्ट टाइम पे एवरेज नहीं, शॉर्ट टाइम पे क्या बताना, यूनिफॉर्म बताना, क्योंकि वो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। तो बात समझो क्या है, आप पहले मोशन पढ़ चुके हो इतना तो मुझे पता है, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। देखो एवरेज, हाँ गया रे, हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग लिखते हैं वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे। टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल होता है, कितना स्मॉल होता है, 0.0000001 लगभग, 0.00001, और भी आप जीरो बैठा सकते हो, 0.00000001 कितना जीरो बैठा लो, उतना छोटे से टाइम पे उसका स्पीड कितना था, ठीक है। तो बहुत छोटा अगर टाइम ले लोगे, बहुत छोटा अगर टाइम ले लोगे तो आपको क्या लगता है वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, बहुत छोटा टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा ना, इसलिए जरूरी नहीं ना है। नहीं बच्चा, अगर आप एवरेज, सुनो अगर आप एवरेज मानते हो ना, एवरेज और आपका यूनिफॉर्म कट कट कर रहा है, मर नहीं जाएंगे, क्लियर है तो फिर क्लियर है। देखो जिसने सवाल पूछा वो मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चा। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो आपका स्पीड के लिए वैलिड हो जाएगा, आप जो बोल रहे हो ये आपका स्पीड के लिए वैलिड हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी में जाते हो तो वहां पे काफी अंतर होता है एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में। तो हम क्या बोलते हैं ना कि अगर बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हुआ तो वहां पे आप मान करके चलो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहे हैं। बहुत छोटे से टाइम पे उसका स्पीड को तो हम कॉन्स्टेंट बोल ही सकते हैं ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, समझे बच्चा, समझे ना। तो देखो एवरेज मतलब टोटल, अगर एवरेज वेलोसिटी में चल जाओगे तो दिक्कत आ जाएगा, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बचा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब आगे गया पीछे आया ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म बोलते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे
एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करना, तो दोनों में काफी अंतर है। तो आपको यूनिफॉर्म पकड़ना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन द एवरेज। एवरेज पकड़ोगे तो वो अलग होता है, यूनिफॉर्म पकड़ोगे तो वो अलग होता है। और अगर टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे ना, तो वहां पे उस स्पीड को हम यूनिफॉर्म कहते हैं और उसके हिसाब से सारा चीज निकल जाता है। मेरी बात समझ में आया ना बच्चा? क्लियर सर? एक बात पूछे? हाँ पूछो। सर तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस में हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस में एवरेज स्पीड होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो ये जो इंस्टेंटेनियस वाला कहानी है ना, ये आपको हम ग्राफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको ना एकदम क्लियरली दिखेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो क्या रहा है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरे साथ चलते जाइए, आपको हम डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। अच्छा ओके नेक्स्ट चलते हैं। सुनो मेरी बात समझ। अच्छा एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग सुन लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा कि नहीं होगा? ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? चलो ट्रू की फॉल्स। ट्रू। छोटी तुमने एक सवाल पूछा था ना मेरे से, अगर पहला में 40 किलोमीटर पर आवर पे आया और एंड पे 40 किलोमीटर पर पे आया, तो वहां पे एवरेज होगा कि सॉरी वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा? यूनिफॉर्म स्पीड चेक करने का ऑप्शन क्या है? अगर आपका एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाता है तो वहां पे क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक ना बच्चा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ओके, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब समझ में आया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पलक झपकते हुए उसका स्पीड कितना था, मतलब जस्ट आप घूमे देख के स्पीड कितना है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उसका स्पीड कितना था। और एवरेज मतलब होता है पूरी जर्नी पे उसका स्पीड कितना रहा, दैट विल बी द एवरेज स्पीड। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी पे। ठीक है, चलो हेडिंग डालो वेलोसिटी। सर वेलोसिटी और स्पीड इज सेम थिंग और डिफरेंट? डिफरेंट बता रहे हैं। लिखो वेलोसिटी का डेफिनेशन, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. अच्छा बोलो velocity मतलब क्या लिखे? किसका rate find करना है बच्चा? Displacement का ना? हाँ ना? अरे बोलो। Displacement divided by time. हाँ तो क्या लिखे? Displacement divided by time. अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कौन से क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? अच्छा वेक्टर। तो वेलोसिटी कौन से क्वांटिटी होगा? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक एरो से ना। ओके तो देखो वेलोसिटी मतलब वी ऐसे लिख दे या फिर वी के माथे पे एक एरो दे, कौन सा सही है, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? तो अगर हमने एरो दिया इसका मतलब होता है वेलोसिटी, अगर हमने एरो नहीं दिया इसका मतलब होता है स्पीड। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? स्पीड। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलना बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा किससे डिनोट होता है, एस से कि सेकंड वाले से कि पहले वाले से? सर एस एंड एरो। सर सेकंड वाले से एंड एरो। तो ये क्या बताता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट बताता है। और ये क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को कुछ लिखना है, देखो क्या लिखना है, डायरेक्ट आप लोग लिखो, डायरेक्ट आप लोग ये चीज लिखो,
डायरेक्ट आप लोग ये चीज लिखो, क्या लिखना है उसका, वेलोसिटी मतलब वी वेक्टर, वेलोसिटी मतलब वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो एस वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टी, एस वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू, अगर हम एस इज इक्वल टू वी टी लिखते हैं इसका मतलब होता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और यहाँ पे लिखते हैं तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट ये लिख लिया ना आप लोग, चलो नेक्स्ट। अच्छा वेलोसिटी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नो सर। हाँ सर, हाँ सर, होगा डायरेक्शन। अरे भैया वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो ना, यस और नो? यस सर, यस सर। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? नो सर, नो सर। तो इसको नोट बोल करके लिख लो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, but magnitude of the velocity cannot be negative. क्या लिखना है बच्चा? Velocity can be positive, can be negative, can be zero, but magnitude of the velocity cannot be negative. But magnitude of the velocity cannot be negative. ठीक है? बोलो चलो। Sir, second sentence please repeat कीजिए। हाँ, लिखो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है, ओके ना? चलो यस सर। अब मुझे आप लोग एक आंसर बताओगे, आप लोग एक आंसर मुझे बताओगे, क्या बताओगे? आप लोग मुझे एक आंसर बताओगे, क्या बताओगे? देख, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड होने का कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन सर, सर हाँ सर, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तब, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है? अच्छा कब होता है सर? अगर स्ट्रेट लाइन में इफ द डिस्टेंस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो स्ट्रेट लाइन, बस सिर्फ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है रे। मां चिल्ला चिल्ला करके क्लास में बताया था, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन या फिर सेम डायरेक्शन साथ साथ, सर सेम डायरेक्शन, ये अगर नहीं लिख करके आए ना तो आपका हम प्राण निकालेंगे। सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, समझाया थे क्लास में, सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए बच्चा, स्ट्रेट लाइन तो होना चाहिए, बट स्ट्रेट लाइन तो होना चाहिए बट सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया ना? मेरी बात समझ में आया ना? बोलो yes, तो कभी ये मत लिख करके आना एग्जाम हॉल पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा और जब सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करेगा, जब स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा और सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल करेगा। मेरी बात समझ में आया ना बच्चा? बोलो ओके ना? ओके, आप लोग सो गए हो? जिसमें जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अरे गधा, क्लास में बताए थे ना?
क्या एक बार और बोलो क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं सर कि अभी आप बोले कि जब कब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड, आपने बोला जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। नहीं नहीं, हम कहां बोले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे होगा, हम बोले कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा एंड उसका चलने का उसका मोशन सेम डायरेक्शन पे होगा। मतलब मोशन अगर दूसरे डायरेक्शन में हो गया तो? अच्छा देखो, ठीक है आपका क्वेश्चन हम समझ गए। देखो यहां से यहां चले स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है यहां से यहां चले स्ट्रेट लाइन पे ए से लेकर के बी, तो यहां से यहां चले 20 मीटर, ठीक है स्ट्रेट लाइन पे चले बच्चा, ठीक ना स्ट्रेट लाइन पे चले, ठीक ना। अब हम इसका डायरेक्शन बदल के यहां पे आ जाते हैं और ये हमने कवर किया 5 मीटर, ये कितना कवर किया 5 मीटर, उसमें मुझे डिस्टेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा बोलो? डिस्टेंस होगा 25 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा 15 मीटर। यस तो हम स्ट्रेट लाइन पे ही तो मूव कर रहे हो सर, हम स्ट्रेट लाइन पे ही तो मूव कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन पे चलता तो क्या ये पॉसिबल होता? Yes, समझ में आया छोटू? तो सेम डायरेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलना पाप है बच्चा, पाप है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोलना पाप है बच्चा, स्ट्रेट लाइन भी बोलना है साथ साथ क्या बोलना है सेम डायरेक्शन बोलना है, नहीं तो वो नंबर नहीं देगा। अच्छा टीचर होगा ना तो पूरा ही नंबर नहीं देगा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन बोलोगे तो यहां से यहां और वापस तो आप आ ही सकते हो, उसके साथ साथ सेम डायरेक्शन बोलना भी जरूरी है। मेरी बात समझ में आई बच्चा लोग? बोलो। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। पॉसिबल yes, है कहाँ कैसे पॉसिबल है? एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन में या ए टू बी हम गए और बी टू ए वापस आ गए तो मेरा एवरेज स्पीड तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो ओके अच्छा अगर आप सर्कुलर मोशन में घूमते हो और इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो और आप एक राउंड अगर लगाते हो तो क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो? नो, डिस्टेंस इज इक्वल टू नॉट जीरो, बट क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो? यस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो बट velocity is equal to zero, but velocity is equal to zero, समझे नहीं समझे बोलो? ओके चलो ठीक ना आगे चलते हैं। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जैसे हम लोगों का, एक मिनट ये, जैसे हम लोगों का स्पीड जो था ना, जैसे हम लोगों का स्पीड जो था दो टाइप के थे, क्या क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है वैसे ही मेरा वेलोसिटी भी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होता है? वेलोसिटी भी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन? वेट वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की वेरिएबल वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पे क्या लिखे? कांस्टेंट। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की वेरिएबल वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी?
वेक्टर क्वांटिटी. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट की डायरेक्शन कांस्टेंट की दोनों ही कांस्टेंट. दोनों कांस्टेंट. दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ कवर द रेट बाय विच डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड पर यूनिट टाइम इज आल्सो कांस्टेंट. जी हाँ, बात को समझो. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी. अब हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड साथ साथ क्या अच्छा डायरेक्शन. यस और नो? यस सर. अच्छा छोटी, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट करने के लिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम करना होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम करना होगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन कांस्टेंट. हाँ, तो अगर मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट रखना है, डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रखना है, तो मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. क्या करना है अच्छा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. सर अगर पूरे वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम. सॉरी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम होगा. सॉरी अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट होगा तो वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा. बता रहे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में लिखो. बता रहे क्या है? और डायरेक्शन सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम की अलग? सेम, कांस्टेंट डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट. तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हम उस वाले वेलोसिटी को क्या बोलेंगे अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करेगा, सुनना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर करेगा तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. और डायरेक्शन अगर फिक्स रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर ना? वो सर मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ. Sir, you are muted. Hello. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर वेट, अच्छा लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. ठीक है चलो. हाँ तो क्या बोल रहे थे कि देखो, देख छोटी तुमने कंफ्यूज हो गया था ना तू. यस सर. अच्छा तुम मुझे बताओ वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट? हाँ कि ना? यस सर. तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कैसे होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम की अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम? सर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. वो किसको कांस्टेंट बनाया आपने, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट बनाया ना? यस सर. और डायरेक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन?
सर। तो ओवरऑल आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट बना दिया ना। बोलो सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस के लिए है, तो दैट्स मतलब तुमको लग रहा है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी था, ये बोल रहे हो? यस सर। अरे भैया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चलेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सर। बोलो सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म डिस्टेंस तो फिर सेम कर सकते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे स्ट्रेट लाइन पे। जी बिल्कुल, एक डायरेक्शन पे चलेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? ओके अब देखो नॉन यूनिफॉर्म पे। हाँ बोलो सर। अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम तो वो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है तभी इक्वल है। अरे गधा सुनो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है रे, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर लिखा जा सकता है सर, लिखा जा सकता है, बट हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ही क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो तुम लिखो ना, कौन मना कर रहा है, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, तुम लिखो गलत नहीं होगा, ठीक है? चलो ओके। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ रहे हो सर आप लोग, ना आज का क्लास ना बहुत कंफ्यूज कर दिए हो खुद को, ठीक है? उतना कंफ्यूजन में रहोगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप देखो बात ये हुआ कि कुछ कुछ बच्चे ने ना आगे आगे सवाल पूछ लिया तो और बच्चे क्या हुआ कंफ्यूज हो गया, थोड़ा रिलैक्स रहो। अगर आपको ना मतलब जितना हम पढ़ाए हैं उसके बाहर क्वेश्चन पूछना है और उसको डिस्कस करना है आइदर तो आप एंड पे कर लीजिए या फिर आप स्टार्टिंग में कर लीजिए, नहीं तो बाकी बच्चे भी परेशान होते रहते हैं, ठीक है? ओके चलो आगे बात करते हैं। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा अच्छा अगर मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिए डायरेक्शन को फिक्स रख दिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म। एक छोटी तू कंफ्यूज हो रहा है, बाकी बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हम बताते हैं बात क्या है। सुनो अगर कोई भी वेक्टर मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करें अच्छा तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है? अगर हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट एंड डायरेक्शन को भी कांस्टेंट बोलते हैं दैट इज इंडिकेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट विल इंडिकेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट बना देते हैं। लेकिन कोई एक अगर वेरिएबल हो गया, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो गया या फिर डायरेक्शन वेरिएबल हो गया तो वहां पे वेलोसिटी ना नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है ना बच्चा? समझ में आया छोटी? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया? सर आ रहा है। सर अगर दोनों डिफरेंट हो गया तो भी नॉन यूनिफॉर्म, सही ना? अरे बोलो। यस सर। ओके तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन आप लोग लिखो, नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन आप लोग लिखो। रुको स्लाइड्स को थोड़ा डिलीट करते हैं, बहुत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखो, क्या लिखना है? अच्छा इसमें दो काम कर सकते हैं हम लोग, आइदर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख करके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन को डिफरेंट करते हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म, और इसको डिफरेंट करते हैं और इसको कांस्टेंट मानते हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन लिखो, If an object
If an object covers, पहले ना मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख करके डायरेक्शन को डिफरेंट कर रहे हैं, तो क्या लिखना, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख करके डायरेक्शन को डिफरेंट कर रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस if an object covers equal distance in equal time interval in a particular direction और आप लोग क्या लिख सकते हो if an object covers unequal distances in equal time in equal time in same direction. अच्छा गलत किया, अच्छा एक मिनट गलत लिखे हैं यहाँ पे, इना पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, गलत लिखे हैं, रुको, सर नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चेंजिंग होना चाहिए, हाँ नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाँ इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा यहाँ पे, गलत लिखे हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा यहाँ पे, इन डिफरेंट डायरेक्शन सर, मतलब फर्स्ट वाला होगा इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक ना, और सेकंड वाला क्या होगा, और इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इन सेम डायरेक्शन देन द बॉडी इज सेड टू बी Then the body is said to be क्या non uniform velocity. इतना तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? No sir. Okay. इतना तक सबको समझ में आया, कोई problem तो नहीं है? नहीं ना? Okay. Next. अच्छा आप ये खुद ही बता दो. फिर से आप दो बार दो statement repeat कर पाएंगे? अच्छा ठीक है, लिखो. और If an object covers unequal distances in equal time interval in same direction, if an object covers unequal distances in equal time interval in same direction, then the body is said to be non-uniform velocity. Clear na choti? हाँ सर. ओके, अब आप खुद बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ सर. बोलो सर, आप अभी बोले if an object covers total distance by total time. अच्छा तुम क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था कुछ, बोलो. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इन द सेम डायरेक्शन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इक्वल टाइम को की जगह हम लोग लिख सकते इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम. हाँ लिख सकते हो, आपको एग्जाम पे दो ही मार्क्स देगा, आप कितना लिखोगे, आप उसको भी लिख सकते हो, आप मैग्नीट्यूड को डिफरेंट करके डायरेक्शन को डिफरेंट करके उसके भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको जो लिखना है लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना छोटू? ठीक है सर. ओके अच्छा बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, बोलो जल्दी लिखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. वेरी गुड, जल्दी लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम.
अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जैसे ही इंस्टेंटेनियस बोलेंगे ना, तो बहुत छोटा सा टाइम पे उसका डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो वेलोसिटी बोला गया है तो डिस्प्लेसमेंट लिखना ज्यादा श्रेय रहेगा। तो लिखिए क्या लिखना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको जो लिखना है आप वही लिख सकते हो। लिखो क्या लिखना है उषा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या लिखना है? लिखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, the displacement of a body in a very small interval of time divided by the time interval, divided by the time interval, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है the distance covered by a body in a particular direction in a very small interval of time divided by time interval is called instantaneous velocity। ठीक है, लिख लिए ना सारे लोग? दोनों लिखना है या फिर एक? लिख लिए, एक ही लिखो, एक ही लिखो। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर बोलेंगे ना तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ना, हो गया? क्वेश्चन करते हैं। चलो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ अ बॉडी कवर्स 10 किलोमीटर towards east in a straight line then find speed of the body, second velocity of the body, बोलो आंसर क्या होगा। स्पीड ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सर टाइम क्या है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इन अ स्ट्रेट लाइन इन इन टू आवर, इन टू आवर, इन टू आवर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन टू आवर। सर 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी होगा 5 किलोमीटर पर आवर इन ईच डायरेक्शन। वेरी गुड, 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, गुड। 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर, एक सेकेंड। अच्छा आप लोगों का क्लास टाइमिंग खत्म ही हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद 10th का भी क्लास है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रख देते हैं। ओके सर, ओके सर, बोलो आज के क्लास में कोई दिक्कत हुआ है क्या? थोड़ा हुआ है, वॉइस क्रैक किया, फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि आज के क्लास में कोई दिक्कत हुआ है क्या? हाँ बस अच्छा, जो मेरे से सवाल पूछ रहा था ना, आप हमको पता है कि आपको मोशन, आप मोशन पढ़ लिए हो, लेकिन बात यह है ना कि सवाल अगर आउट ऑफ टॉपिक पूछना है तो आप एंड पे मेरे साथ डिस्कस करो। आप अगर आधा घंटा चाहते हो, एक घंटा चाहते हो, दो घंटा चाहते हो, पूरा दिन चाहते हो, तो पूरा दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास के बीच में बोलने से क्या होता है ना, अच्छा बाकी बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ख्याल रखेंगे कि आउट ऑफ द टॉपिक कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम ना क्लास के एंड पे या फिर क्लास के शुरुआत में